पकड़े, वो हमको गोली मार के पेट में चटाक गोली मार के निकल कुदक गया। अभी अभी भागलपुर से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। भागलपुर जमालपुर रेल खंड के ततारपुर के पास इंटरसिटी एक्सप्रेस से मोबाइल छीनतई के दौरान सिपुरी के रहने वाले युवक ऋतिक कुमार वर्मा को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्यों जैसे एडमिशन के लिए जनी कॉलेज में आएगा, मुझे मैं जा रहे थे टेंट 6:30 बजे, वो टेंट पकड़े अगर हम ढाई उठा तो साइड में हम नहीं बैठे थे उधर से, यानी हम बैठे थे मौज खोला ट्रेन से, यानी मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज ना हाई स्कूल है जो चटा हुआ वहाँ तक आया, फिर हम बैठे उधर से मोबाइल छीन लिया मेरा, फिर हम उसे पकड़े जो उसको, फिर हम यानी वो हमको धकेल दिया, फिर उसको फिर पकड़े वो हमको गोली मार के पेट में चटाक गोली मार के निकल कुदक गया। पेट में चटाक गोली मार ट्रेन पर इंटरसिटी 4:30 बजे अकेले एक ही था। घायल युवक इंटरसिटी एक्सप्रेस पकड़कर क्यूल जा रहा था, वहां से वो जसीडी अपने भाई के एडमिशन के लिए निकला था, लेकिन चलती ट्रेन में अपराधियों के द्वारा युवक से मोबाइल छीना गया, जिसका युवक ने विरोध किया और अपराधी को पकड़ लिया, जिसके बाद पहले दोनों में हाथापाई हुई, जिसके बाद अपराधी ने युवक के पेट में गोली मार दी और अपराधी मोबाइल लेकर फरार हो गया, जिसके बाद ट्रेन में बैठे यात्री और रेल थाना पुलिस ने युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। कुछ नहीं कर रहा, क्या गोली लगा जा रहे थे क्यूल, क्यूल से जाते वहाँ जमुई एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। अभी क्या हुआ, अभी क्या परेशानी हो रहा है? अभी परेशानी हो रहा है, गोली नहीं निकाल रहा है, 3-4 घंटा हो गया होगा। 5 बजे सुबह से हम रास्ते छे डॉक्टर देख ही रहे थे, जब 9 बजे आएगा तो फिर गोली निकालेगा, गोली फंसा हुआ है बच्चे के, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, बताइए वो 2 घंटा के अंदर जान चला जाएगा तो क्या कौन देगा इसका जान, कौन बचाएगा। परिजनों का आरोप है कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी अस्पताल में डॉक्टर नहीं रहने के कारण इलाज में देरी हो रही है। वहीं घटना को लेकर रेल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।